प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, सभी कुशल मंगल होंगे ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं और स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल, इट मीन्स 1000 BC से लेकर 600 BC तक के समय के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लासों में हम ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन कर चुके हैं। 1500 BC यानी कि ईसा पूर्व से लेकर और 1000 BC तक के बारे में जानकारी दे चुके हैं, और उससे पहले भी हमने यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी है। जैन बौद्ध धर्म के बारे में, आधुनिक भारत के बारे में और मुगल सल्तनत के बारे में इतिहास को विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, तो आप पीछे क्लासों में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि उत्तर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। यहाँ पर जो उत्तर वैदिक सभ्यता है इसके जो समय को डिसाइड जो किया गया है, जो निर्धारित किया गया है, इसका जो समय पीरियड है वो कितना है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के यानी कि 600 BC तक का जो समय है, ईसा पूर्व तक का समय, यह है हमारा उत्तर वैदिक काल। अब यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो भौगोलिक जो विस्तार हुआ था, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक सभ्यता फैली उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे, और इसमें जो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक ठीक है जीवन के बारे में जानकारी देंगे कि उत्तर वैदिक सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, जो सतपद ब्राह्मण है, यहाँ पर सतपद ब्राह्मण में एक यहाँ पर दिया है विदेह माधव की कथा है। ये भी पूछ लिया जाता है कि विदेह माधव की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में दे है। इसमें देखिए अगिन को, ठीक है, अगिन को धारण किए हुए अपने जो पुरोहित, यानी कि पुरोहित कौन थे इनके, यानी कि गौतम यानी कि राहु गण के साथ अगिन से सब कुछ जलता हुआ, ठीक है, सब कुछ जलाता हुआ, और उसने पूरब की ओर, इसका मतलब है अगिन से पूरे जंगल क्षेत्र को जला दिया गया, और कहां तक, पूरब की ओर, और यहाँ पर बड़ा और सभ्यता का केंद्र बना। तो यहाँ पर पहला जो सभ्यता का जो केंद्र था, जो ऋग्वेदिक कल्चर में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सरस्वती और गंगा नदी और जो सिंधु नदी का क्षेत्र है वहाँ तक ये सभ्यता फैली फूली बची थी, यानी कि सरस्वती नदी तक यानी कि थी। आगे चलते हैं यहाँ पर जहाँ हम देखते हैं आलमगीर तक थे। आगे चलते हैं, इसके बाद फिर इस सप्ताह का यानी कि 500 साल बाद, फिर 500 साल यहाँ पे देखिए 400 साल में, ये जो 500 साल का मतलब है 1000 यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व 500 वर्ष के बाद इस सभ्यता में क्या क्या, ठीक है, राजनीतिक समीकरण क्या बदले और क्या क्या यानी कि समाज में परिवर्तन हुए, और किस तरह से धर्म में परिवर्तन हुआ, और किस तरह से यानी कि ठीक है धार्मिक जीवन किस तरह से बदलाव, सामाजिक जीवन में क्या बदलाव हुए, और राजनीतिक जीवन में बदलाव, और ठीक है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन में क्या बदलाव। तो यहाँ पर आर्थिक जीवन के बारे में भी डिस्कस, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको ठीक है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ही बताएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर सभ्यता का जो केंद्र था यहाँ पर जो पंजाब में था, और ये पंजाब में जो सरस्वती नदी से लेकर के यहाँ पर यमुना घग्गर को के और कहाँ तक पहुँच गई थी, यह है सदानीरा। जो सदानीरा नदी है यानी कि गंडक यानी कि बिहार तक ये नदी फैल गई, यानी कि ये सभ्यता फैल गई थी इन नदियों के यहाँ पर किनारे पर। यहाँ पर जो क्योंकि अगिन जो दिया गया है यहाँ पर,
अग्नि से सबको जलाता हुआ यानी कि पूरब की ओर बढ़ा और सभ्यता का जो केंद्र था यहाँ से पंजाब से लेकर और यहाँ तक बिहार तक ये यानी कि सभ्यता फैल चुके थे। और नीचे देखेंगे ऊपर यानी कि हिमालय से लेकर के और विंध्याचल क्षेत्र तक यानी कि सिंधु नदी से लेकर के ऊपर और नर्मदा नदी तक यानी कि ये सभ्यता फैल चुकी थी जिसे हम उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं या उत्तर वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं यानी मध्य देश तक यानी कि केंद्र यहाँ पर बन चुका था। यहाँ तक आते आते जो मध्य देश था तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पूर्वी जो हिमालय है इसमें तीन यानी कि ये तीन पर्वतों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर त्रिकूट ठीक है कोंच और मैनार ये पर्वतों के बारे में इसमें दिया गया है कि इन पर्वतों के बारे में जानकारी थी। इसमें उत्तर वैदिक सप्ताह में सबसे जो महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया था वो है यानी कि लोह युग की शुरुआत। लोह युग की शुरुआत यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम यानी कि 800 ईसा पूर्व में गंगा घाटी क्षेत्र से यानी कि खोज हुई और जिसे हम लोह क्रांति के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र जो और तीर और धनुष भाला कृपाण आदि यानी कि जो क्षत्रिय जो थे जो युद्ध में जो क्रांति करते थे वो इनका निर्माण करने लगे। और जो लोग जो कृषक थे जो किसान या शिल्पकार थे वो यानी कि खुरपी दराती चाकू और छुरी आदि चीजों का यानी कि औजार बनाने लगे। और यहाँ पर औजारों का निर्माण और जंगली पौधों की कटाई भी चालू कर दी और वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया और कृषि यानी कि इससे कृषि का विकास हुआ और यहाँ पर प्रगति हुई और जो कृषि में एक स्थायीपन आया और स्थायीपन आने से ही यानी कि कबीले जो थे वो यानी कि बड़े बड़े कबीलों में परिवर्तन हुए और बड़े जो कबीले थे वो जनपदों में परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर एक बड़े बड़े से छोटे छोटे यानी कबीलों से एक यानी कि साम्राज्य के रूप में यहाँ खड़े होते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर तीसरा इसमें पॉइंट ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो चित्रित दूषण ब्रजवान ठीक है इसको ध्यान रखेंगे। संस्कृति का यहाँ पर क्रमिक विकास हुआ इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर कुम्हार का चाय और यानी मिट्टी के बर्तन काला और संस्कृति मृदबान संस्कृति का यहाँ पर विकास होना चालू हो गया। आगे चलते हैं हड़प्पा कल्चर के बाद ठीक है उत्तर वैदिक काल में ना होकर के यानी कि जो ऋग्वेदिक काल में ना होकर उत्तर वैदिक काल में यानी कि चित्र दूषण मृदबान संस्कृति आ गई और ऋग्वेदिक कल्चर में काला और लाल मृदबान संस्कृति थी जो हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में तो यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर यानी उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर कृषि क्षेत्र में स्थायित्व आ गया क्या आ गया एक स्टेबिलिटी आई स्थायित्व आ गया और लोग स्थायी जीवन ठीक है घर बनाकर स्थायी यानी कि लोग रहने लगे। इससे पहले एक कबीले के रूप में यानी कि यायावर जाति घुमक्कड़ जाति के रूप में जगह जगह पर यानी कि पशुओं के द्वारा जो ऋग्वेदिक कल्चर में जगह जगह पर वो अपना वास करते थे यानी कि घुमक्कड़ जीवन था। अब यहाँ पे क्या हुआ कृषि खेती करने लगे लोग अपने स्थायित्व हुआ मकान बनाने लगे घर बनाने लगे और धीमे धीमे उस जो बस्ती थी उसका विकास हुआ और विकास होने से यानी कि बड़े बड़े जनपदों का विकास हुआ और ये परिवर्तन हो गया यानी कि 500 साल के भीतर में। फिर ये जो है 1000 BC आते आते यानी कि छोटे छोटे जो कबीले थे वो बड़े बड़े कबीलों में
यानी कि परिवर्तन हो गया। आगे चलते हैं, जो राजा था वो बड़े प्रदेशों में शासन करने लगा। यहाँ पे देखेंगे राजतंत्रात्मक शासन था, यानी कैसा शासन था, राजतंत्र था। और यहाँ पे राजतंत्रात्मक का जो राजा का जो पद था वो कैसा था, वंशागत। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि अब यहाँ पे राजा का पद कैसा होने लगा, अनुवांशिक होने लगा। और राजा यानी कि जो था या जो शासक जो था, जो कबीले का जिसे राजा कहते थे, वो अब यानी कि सम्राट, एकराट, स्वराट और अधिराज और भोज अधि, ठीक है, और अधिराज, भोज और विराट जैसी उपाधियां धारण करने लगे अपने अपने, यानी कि बड़े बड़े कबीलों में इस तरह से उपाधियां धारण करने लगे। यहाँ पर जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसको ध्यान रखेंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम देवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया। तो ये पूछ लेता है कि देवीय सिद्धांत किसमें आता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे यानी उत्तर वैदिक सभ्यता में मिलता है देवीय सिद्धांत का वर्णन पहली बार यहीं पर हुआ। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए जो कबीले थे, जो पुरु, ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि पुरु और भरत यानी कि दो कबीले मिलकर के एक कबीले का निर्माण हुआ, बड़ा कबीला यानी कि कुरु, और कुरु से ही बनता है यहाँ पर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का नाम आपने सुना होगा, जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी, और हस्तिनापुर का भी नाम सुना होगा, जहाँ दुर्योधन का नाम सुना होगा। आगे समझेंगे मेरठ क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है इसे, यानी कि जो हरियाणा में है और मेरठ के जो आसपास का क्षेत्र है ये क्या है, कुरुक्षेत्र है। यहाँ पर देखेंगे अगला, एक यानी कि दो बड़े कबीले मिलकर सम्मिलित होकर एक बड़े प्रदेश में कन्वर्ट। दूसरा देखें यहाँ पर तुर्बत और ठीक है किवी, दो कबीले, यहाँ पर पंचाल नाम सुना होगा, पंचाली, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे पंचाल पंचाली ये शब्द आते हैं, यानी कि महाजन पदों का उदय यहाँ पर होने लगा। यानी कि आपने सुना होगा 16 महाजन पदों, तो यहाँ पर दो पद यानी कि दो यानी कि महाजन पद और अंग जैसे और काशी जैसे बड़े बड़े यानी कि जनपदों का उदय होने लगा। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, 16 महाजनपदों के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय के बोध ग्रंथ है, और दूसरा जो है कि भगवती जो निकाय है, इन दोनों से ये जानकारी मिलती है कि 16 जनपदों के उदय के बारे में जानकारी मिलती है, जैन और के बोध यानी कि बोध और वो जैन यानी कि ग्रंथ है, इनसे जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखेंगे जो विदेह है, ठीक है, विदेश नहीं है, विदेह है, विदेह ध्यान रखेंगे, विदेह के राजा, ठीक है, विदेह के कौन थे, जनक, आपने नाम सुना होगा जनक, ठीक है, सीता की कहानी, ठीक है, जनक यानी कि सीता के फादर यानी विदेह यानी कि जनक, और यहाँ पे के ठीक है, के अस्पति यहाँ पे, और काशी के जो थे, ठीक है, आजाद शत्रु यानी कि ये बड़े बड़े, और यहाँ पर जो पंचाल, ठीक है, प्रवाहन, जवारी जैसे यहाँ पर शासक मिलते हैं, और ये कैसे थे, एक दार्शनिक शासक के रूप में माने जाते हैं, जनक, विदेह के कौन थे, जनक, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछ दिया जाता, विदेह के जनक एक, ठीक है, के अस्पति, काशी के कौन थे, अजात शत्रु, और यहाँ का पंचाल, ठीक है, कौन थे, प्रवाहन, जवाहर, ठीक है, आदि दार्शनिक, ठीक है, राजाओं के नाम यहाँ पर मिलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे अथर्ववेद, ठीक है, यहाँ पे जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में यानी कि सभा और समिति को प्रजापति, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, यानी कि प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है, ये पूछा जाता है, प्रजापति की पुत्रियां, ठीक है, किसमें, ये भी पूछा जा सकता है, किस ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखेंगे सभा और समिति यानी कि प्रजापति, इट मीन्स ब्रह्मा, प्रजापति का
ठीक है, किससे किया जाता है, ब्रह्मा से, कि दो पुत्रियां कहा गया है सबा और समिति को। सबा को नरिष्ठा भी कहा गया है, क्या है, नरिष्ठा, ध्यान रखेंगे, यानी कि सभा और समिति का, यानी कि ये कैसी है, अनुलंघनीय, यानी कि जिनका उल्लंघन नहीं हो सकता, यहाँ पर इसे नरिष्ठा कहा गया है। दूसरा, जो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ईशान कौन था, यानी कि समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यहाँ पर विदत के ये समाप्त हो गई थी, इसका नामो निशान मिट गया था, और यहाँ पर सभा में स्त्रियों का प्रवेश को वर्जित कर दिया गया, यानी कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, ये यानी कि इसमें परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ, क्योंकि ऋग्वेदिक कल्चर में यानी कि महिलाएं सभा और समिति में प्रवेश कर सकती थी, भाग ले सकती थी, लेकिन यहाँ पर इनके यानी कि प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो राज्याभिषेक है, तो यहाँ पर राज्याभिषेक का सर्वप्रथम जो उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब चालू हुई, ध्यान रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर काल से शुरू हुई, जो राजसूय यज्ञ जो करते थे राजा राज्याभिषेक के समय में, जिसे हम राजसूय यज्ञ कहते हैं, इन यज्ञों के जो पांच यज्ञ हैं उनके बारे में पिछली पहली क्लास में जो वैदिक कल्चर की है वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ी यहाँ पर यानी कि यज्ञों के बारे में नॉर्मल है, वहाँ पर मैंने डिटेल में जानकारी दे दी थी। तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि राज सूर्य यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो राजा थे वो राज सूर्य यज्ञ करने लगे। आगे चलेंगे, राजा का अभिषेक होता था इसमें। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों का जिक्र है, तो किसमें किया गया है, यजुर्वेद में, यानी कि 12 रत्नियों की सूची मिलती है जो सभा समिति में ये डिसाइड करते थे राजा को, यानी कि राजा का चुनाव करते थे, निर्वाचन करते थे, और राजा को पद से हटाने की भी, यानी कि ये 12 ही रत्निम काम करते थे। आगे चलते हैं ऋग्वेदिक कल्चर में, तो यहाँ पर भी ये 12 रत्नियों की यहाँ पर सूची मिलती है। आगे चलते हैं, कि बलि शब्द पूछा जाता है, यहाँ ध्यान रखेंगे, बलि, बलि क्या है, ऋग्वेदिक काल में राजा को, ठीक है, एक ये स्वैच्छिक कर है, क्या है, जो राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक कर, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, क्या है, स्वैच्छिक कर है, इसको दिया जाता था राजा को अपनी मर्जी से, जो जनता टैक्स के रूप में यानी कर देती थी, या कुछ अंश है, कुछ हिस्सा देती थी, उसे यानी कि स्वैच्छिक कर कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में ये कैसी हो गई, नियमित प्रणाली हो गई, कैसी हो गई, नियमित प्रणाली हो गई, इसको ध्यान रखेंगे, विकसित हुई, इसमें ये परिवर्तन आया राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि जो टैक्स वहाँ स्वैच्छिक था, यहाँ पर कैसा नियमित हो गया, तो यहाँ पर ये परिवर्तन हमें दिखाई देता, और इसकी जो मात्रा थी, ठीक है, कितना लिया जाता था, 1/16, ठीक है, 16वां भाग लिया जाता था, ठीक है, राजा 16वां हिस्सा लेता था किसी से, यानी कि 100 किलो किसी का अनाज वगैरह पैदा, तो वहाँ पर 16 किलो यानी कि राजा लेता था, जो नियमित कर था, नियमित, ठीक है, कर जो था वो लेता था, और कर जो देते थे वो सिर्फ यानी कि केवल मात्र वैश्य लोग देते थे, कौन, वैश्य लोग, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, यहाँ पर जो राजा को बलिहार कहा जाता, ठीक है, बलिहार ये पूछ लिया जाता है, बलिहार, ठीक है, शब्द यानी कि बलि लेने वाला, ठीक है, ये बलि यानी कि वैश्य जो वर्ग था, वैश्य वर्ग किसको यानी कि बलि देता था, और कौन लेते थे, राजा ले, तो इसको बलि लेने वाला कहा जाता, या विश्व
विषमता, विषमता का मतलब है जो विश्व जो थे, जो इकाई थे, एक राजनीतिक जो इकाई थे, जो अनेक गांव को मिलाकर के बनती थी, उसे विश्व कहा जाता है। और इनको यानी कहा जाता है विषमता, ठीक है, विषमता यानी कि विश्व की रक्षा करने वाला, यानी कि राजा संरक्षक था, ना कि भूमि का मालिक। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि विश्व का संरक्षक के रूप में। यहाँ पर राजा का चुनाव भी कहाँ से करते थे, यानी कि विश्व के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है, विश्व, ठीक है, एक राजनीतिक इकाई है विश्व। आगे बात करते हैं यहाँ पे अथर्वेद, यहाँ पे अथर्वेद में जो दिया गया है, एक दिया है शब्द परीक्षित, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया, इसको ध्यान रखेंगे, मृत्यु लोक का देवता किसे कहा गया, परीक्षित को। यहाँ पर प्रांतीय अधिकारी कौन थे, यहाँ पर दो नए नाम आए हैं, इनको ध्यान रखेंगे, स्थपति, स्थपति किसको कहा जाता था, सीमांत प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता था, स्थपति। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पे जो सतपति है, सतपति का मतलब है, सत का मतलब है 100 गांव के समूह का जो अधिकारी होता था, तो ये अधिकारी वर्ग है, कौन है, ये दो अधिकारियों के यहाँ पे नाम मिलते हैं, स्थपति और सतपति, 100 गांव के सिका पर जो अधिकारी होता था उसे सतपति कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं गृहपति, तो जो गृह का तो मतलब है घर, यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, घर का मुखिया, फिर आगे इससे बड़ा क्या होता था, गांव का मुखिया, ग्रामीण विश्व, फिर ठीक है, अनेक गांव को मिलाकर के बनता था विश्व, यानी कि विश्वपति, यानी कि विश्व का मुखिया, और फिर अनेक विषयों को मिलाकर के बनता था गण या जन, यानी कि गण का मुखिया या जनपद, ठीक है, जन का मुखिया या जनपद। और आगे जो फिर क्या, यानी कि जनों को मिलाकर के क्या बनता था, राष्ट्र, यानी कि राज्य। और यहाँ का कौन होता था, यानी कि राजा या एक राट और स्वराट और भोज, यानी कि आदि। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर ये आपको ध्यान होना चाहिए, पूरब में कौन थे, यहाँ पर ठीक है, पूरब में साम्राज्य, और यहाँ पर सम्राट बोला जाता था, और ये वाजपेयी यज्ञ करते थे, वाजपेयी का मतलब है घुड़दौड़ या रथ दौड़ होती थी, और उसमें राजा का संरक्षण किया जाता था। यहाँ पर जो पश्चिम में ठीक है क्या था, स्वराज कहा जाता, साम्राज्य का नाम, जो राज्य का नाम था स्वराज, ठीक है, और यहाँ पर राज्य का नाम, ये राज्य के नाम है, और ये शासक के नाम है, और ये यज्ञों के नाम है, और यहाँ पर ये दिशाओं के नाम है। आगे चलेंगे, जो स्वराट था ठीक है कहा जाता था, और ये अश्वेध यज्ञ करते थे, यानी कि घोड़े को छोड़ा जाता था, और घोड़ा जहाँ तक यानी कि पहुँचता था वहाँ तक राजा की शक्ति यानी कि साम्राज्य हो जाता था। अगर उस घोड़े को कोई यानी कि विपक्ष वाला उसको रोकता था तो फिर राजा को उसके साथ यानी कि युद्ध करना होता था। तो यहाँ आगे चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर जो उत्तर देखेंगे, यहाँ पर उत्तर में क्या था, वैराज्य था, और इसको हम विराट के नाम से, जो राज्य था उसे हम वैराज्य के नाम से जानते हैं, और यहाँ के जो शासक है उसको विराट के नाम से, और जो यज्ञ करते थे कौन सा, पुरुष में यज्ञ किया जाता था। आगे चलते हैं दक्षिण में, यानी कि भोज्य थे, और यानी कि भोज या स्वर्गराट कहा जाता है, और ये कौन सा यज्ञ करते थे, सर्व मेघ यज्ञ। आगे चलते हैं मध्य देश, और यहाँ पर कौन होता था, राजा, ये मध्य देश में राजा था, राज्य या यहाँ पर राजा ठीक है शासक था, और ये कौन सा यज्ञ करते थे, राज सूर्य यज्ञ किया करते थे। तो इनको आप ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, आगे यहाँ पर जो नेक्स्ट में है, जो पांचवा है, इसके बारे में हम आगामी ठीक है उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चों को दिक्कत होती है देखने में, इसलिए हमने ठीक है ये डिसीजन लिया है कि ठीक है ज़्यादा लंबी ना बनाकर ठीक है मीडियम टाइप की
यानी कि वीडियो बनाए जाएं। तो प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।